मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं इस्लामी दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्क कतर की। कतर का नाम सुनते ही पाकिस्तानियों के जहनों में कतरी खत और मरियम नवाज़ का जिक्र आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कतर की सैर व सियाहत के अलावा ये भी बताएंगे कि मरियम नवाज़ का कतरियों से क्या ताल्लुक़ है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। कतर, जिसका पूरा नाम दौलत अल कतर है, मशरक़ वुस्ता का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। कतर की ज़मीनी सरहद जनूब की जानब से सऊदी अरब से लगती है, जबकि बाकी तीनों अतराफ से इस मुल्क को समंदर ने अपने घेरे में ले रखा है। दोहा कतर का दारुल हुकूमत है, जो कि खलीज फारस के सहलों पर वाक़े है। 5 लाख की आबादी के साथ ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है, और कतर की 80% आबादी इस शहर में या इसके गिर्द व नवाह में रिहाइश पुजीर है। दोहा दुनिया के सबसे एडवांस और तरक्की याफ्ता शहरों में से एक है। इसके अलावा ये मशरक़ वुस्ता का इकलौता ऐसा शहर है जिसने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी की है। कतर का कुल रकबा 11,571 मुरबा किलोमीटर है, और रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 158 नंबर पर शुमार किया जाता है। कतर अपने छोटे से रकबे के बावजूद आलमी सतह पर बहुत अहमियत रखता है। कतर अरब लीग, इस्लामी तआवुन तंजीम और अक़वामे मुत्तहिदा का एक अहम रुकन है। कतर की कुल आबादी 27,16,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें सिर्फ 4 लाख के करीब कतरी हैं, जबकि बाकी बाहर के लोग हैं, जिनमें हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली और फिलिपाइनी शामिल हैं, जो के काम काज के सिलसिले में कतर में मुकीम हैं। इस्लाम कतर का सबसे बड़ा मज़हब है, और कतर के 65% लोग इस्लाम के पैरोकार हैं, जबकि 15% लोग हिंदुइज़्म, 14% ईसाइत, 3% बौद्धिज़्म और बाकी 3% लोग दूसरे मजहब के मानने वाले हैं। कतर का मशहूर तरीन खेल फुटबॉल है, और कतर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी कर चुका है, जबकि फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और रेसलिंग दूसरे मकबूल और खेले जाने वाले खेल हैं। अरबी कतर की कौमी ज़बान है, जबकि इसके अलावा अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, बंगाली और तमिल ज़बानें भी बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। कतर एक इस्लामी मुल्क है, और इसमें शरिया ला नाफिज़ है, यानी तमाम मुजरमों को सज़ाएँ इस्लामी कवानीन के मुताबिक दी जाती हैं। कतर का निज़ाम हुकूमत ऐनी बादशाहत है, और इस वक्त कतर पर अलसानी ख़ानदान की हुकूमत है। पाकिस्तानी सियासतदान मरियम नवाज़ पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो कतर की हिमायत हासिल करने के लिए अलसानी ख़ानदान के शहज़ादों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर चुकी हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में वाक़े हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। साथ ही ये एयरपोर्ट मशरक़ वुस्ता का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट होने का भी दर्जा रखता है, जबकि कतर एयरवेज कतर की कौमी एयरलाइन है। 2021 में इस एयरलाइन को एयरलाइन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया था। पर्ल कतर दोहा का एक मसनूई जजीरा है, जो कि अपनी मोती जैसी बनावट की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। पर्ल कतर कतर का वाहिद ऐसा मकाम है जहां पर गैर मुल्की लोग अपने रहने के लिए घर खरीद सकते हैं। कहवा की दूसरी किस्म, जिसे अरबी में गहवा कहा जाता है, कतर का कौमी मशरूब है, जो कि हर खाने के बाद पिया जाता है। कतर की कुल जीडीपी 219 बिलियन डॉलर है, जबकि 2023 में कतरी लोगों की सालाना फी का आमदनी 90,000 डॉलर है। कतर की करेंसी को कतरी रियाल कहते हैं, और इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक एक कतरी रियाल पाकिस्तानी 78 रुपयों के बराबर है।
कतर की पूरी मईशत तेल और कुदरती गैस की सनत से हासिल होने वाली आमदनी की बुनियादों पर खड़ी है और इस वक्त कतर कुदरती गैस के ज़खायर के लिहाज से दुनिया का तीसरा और तेल के ज़खायर के लिहाज से दुनिया का तेरहवां बड़ा मुल्क है। कतरी लोगों की औसत उम्र 80 साल है। कतर पाकिस्तान के जनूब मगरब की जानब 2000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। कतर वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। कतर का कॉलिंग कोड +974 जबकि .qa कतर का डोमेन नेम है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और कतर में जाना चाहते हैं तो आप बिना वीज़ा के आसानी से कतर में इंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कतर के मुतालिक हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।